करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्लास बनाने की स्पेसिफिकेशन गिवन है और उसको देखकर हमें क्लास बनानी है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कुछ ये लिखा हुआ, इतना बड़ा क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन से, क्या कहता है क्वेश्चन कि क्रिएट अ क्लास गैप्स अंडरस्कोर क्लासेस विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो फर्स्ट लाइन क्या कहती है, क्लास बनाओ। क्या लिखा हमने, सबसे पहले लिखा क्लास गैप्स अंडरस्कोर क्लासेस। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, एस आर एन ओ मतलब स्टूडेंट रोल नंबर टू स्टोर रोल नंबर ऑफ टाइप इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक वेरिएबल बनाना है, उसका नाम क्या है, एस आर एन ओ। तो क्या लिखा हमने, इंट एस आर एन ओ। जैसा क्वेश्चन में वेरिएबल का नाम गिवन है वैसा ही हमें आंसर में लिखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, एस नेम। अब नेम का क्या, नेम का टाइप क्या होना चाहिए, करेक्टर अरे। क्वेश्चन में गिवन भी है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है हमारा, करेक्टर अरे। तो क्या लिखा, कैर एस नेम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट बंद, बीच के अंदर जितना मर्जी साइज दे सकते हो, तो मैंने 30 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एस एज। डेटा टाइप क्या है इसका, इंटीजर टू स्टोर स्टूडेंट एज। तो क्या लिखेंगे हम, इंट एस एज। नेक्स्ट, बस सीक्वेंस में चलना है और सीक्वेंस में जो जो गिवन है उसको लिखते जाओ। नेक्स्ट क्या हो गया, एस ए डी डी मतलब स्टूडेंट एड्रेस। किस टाइप का हो गया एड्रेस, स्ट्रिंग टाइप का। तो क्या बनेगा हमारा, करेक्टर एरे। क्या लिखा, कैर एस एड्रेस और 50 ले लिया, राइट यहां तक क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है एस ग्रेड, एस ग्रेड का टाइप लिखा हुआ है करेक्टर, सिंगल करेक्टर है। तो क्या लिखा हमने, कैर एस ग्रेड। इसमें एरे नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया रहे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि सिंपल एक करेक्टर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है पब्लिक मेंबर्स, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर में पब्लिक लिखना पड़ेगा, पब्लिक कॉलन। अब उसके आगे लिखा हुआ है क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइजेस, इनिशियलाइज करेगा रोल नंबर एज को विद वैल्यू जीरो, नेम एंड एड्रेस को नॉट अलॉटेड और ग्रेड को ए। अब कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, जो नाम क्लास का है, क्लास का नाम क्या, गैप्स अंडरस्कोर क्लासेस। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले स्टार्ट करा गैप्स अंडरस्कोर क्लासेस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फंक्शन है कंस्ट्रक्टर का, था फंक्शन तो इसलिए राउंड ब्रैकेट लगाया। अब जो जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा, एस आर एन ओ स्टूडेंट रोल नंबर हो गया, एज हो गया, दोनों को जीरो करना है, एस नेम, एस एड्रेस और ग्रेड, एस ग्रेड, राइट, ये लिख लो यहां तक। अभी तक हमारा कहां तक हुआ, कंस्ट्रक्टर तक। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या गिवन है हमारा, अच्छा स्पेस नहीं है तो इस वजह से वो मैंने हटा दिया, लास्ट में फाइनल में मैं पूरा एक आंसर लिख दूंगा जिससे कि आपको, आप प्रॉपर उतार सको। अभी सिर्फ समझ लो, आगे जब पूरा प्रॉपर एक ही बोर्ड पे आंसर होगा तब इसको लिख लेना आप लोग। क्वेश्चन कहता है क्रिएट अ फंक्शन गेट डेटा, एक फंक्शन बनाओ गेट डेटा टू इनपुट द वैल्यू ऑफ ऑल द डेटा मेंबर्स फ्रॉम द यूजर। अब क्वेश्चन आता है कि डेटा मेंबर्स कौन से, डेटा मेंबर्स होते हैं जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से थे हमारे, रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, ग्रेड। तो करते हैं स्टार्ट करते हैं, इनपुट कराना है, फंक्शन का नाम क्या लिया, गेट वॉइड गेट डेटा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट बंद, इसमें जो जो एंटर कराना है, एंटर रोल नंबर, सीन रोल नंबर। नेक्स्ट क्या था, नेम, सी आउट एंटर नेम, सीन करा लिया नेम, वैसी एज, एड्रेस एंड ग्रेड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहां तक क्लियर, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ, कहता है एक फंक्शन और बनाओ, फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प डेटा, और वो क्या करेगा, शो करेगा सारे डेटा मेंबर्स की वैल्यू। तो इसलिए क्या करा हमने, सी आउट रोल नंबर इज एस आर एन ओ। ध्यान देना, जब भी वेरिएबल इनपुट कराओगे तो वही वेरिएबल के नाम लिखना जो आपने डिक्लेयर करते समय लिखने हैं, और यहां पर मुझे रोल नंबर शो करना, तो डबल कोट्स में तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, लेकिन जब वैल्यू शो करनी है तो वही नाम लिखोगे जो डिक्लेयर करते समय वेरिएबल का नाम लिखा था हमने। तो क्या लिखा था, एस आर एन ओ, तो यहां पर क्या लिख दिया, एस आर एन ओ। वैसे नेम के लिए नेम इज एस नेम, नेम हो गया, एज, एड्रेस एंड ग्रेड, और लास्ट के अंदर जब बंद होगा तो क्लास बंद होगी लास्ट में सेमी कॉलन, राइट, प्रोग्राम क्लास खत्म, हमारा प्रोग्राम खत्म। तो ये फाइनल आंसर है, आप इसको लिख लो पूरे फाइनल आंसर को। स्पेस के कंस्ट्रेंट के चक्कर में मैंने राइट साइड पे लिख लिया, लेकिन जब आप प्रोग्राम करोगे तो पूरा सीक्वेंस पे आएगा, पहले पूरी क्लास आएगी कंस्ट्रक्टर, और जो ये फंक्शन लिखा हुआ गेट डेटा है उसको नीचे लिखना कंस्ट्रक्टर के, फिर जो वर्ड डिस्प डेटा है उसको भी, उसको गेट डेटा के नीचे लिखना, ये लिख लो प्रोग्राम। अब ध्यान देना, ये लिखने के बाद इसमें क्या कोई मिस्टेक है, हाँ मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है हमारी, जो मिस्टेक है उस पर मैंने लाइन डाल दी, ध्यान देना कहां पर मिस्टेक है, लाइन डली हुई है, उससे पहले वापस हटाता हूं लाइन को। क्या लिखा हुआ है, एस नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में नॉट अलॉटेड, ये गलत है। क्यों गलत है, कभी भी स्ट्रिंग को आप इक्वल टू करके वैल्यू नहीं दे सकते,
इक्वल स्ट्रिंग को आप इनिशियलाइज इक्वल टू से नहीं कर सकते, किससे हमें वैल्यू देने पड़ेगी, एसटीआर सीपीवाई से, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन से। तो क्या लिखा हमने, एस नेम को वैल्यू देने, तो लिखा एस नेम कॉमा डबल कोट्स में नॉट अलॉटेड, इस पूरे को हम डाल देंगे फंक्शन एसटीआर सीपीवाई स्ट्रिंग कॉपी में। अब एसटीआर सीपीवाई है तो उसकी हेडर फाइल आएगी स्ट्रिंग डॉट है, सबसे ऊपर लिख लेना, सबसे पहले क्या आती है हमारी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसके बाद एक हेडर फाइल और आ गई स्ट्रिंग डॉट एच। सेम स्टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट पे है, क्या लिखा हुआ है, एस एडीडी इज इक्वल टू नॉट अलॉटेड, ये भी गलत है, इसको भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको भी हटाएंगे, क्या लिखेंगे नई लाइन, क्या लिखेंगे एसटीआर सीपीवाई ब्रैकेट में एस एडीडी कॉमा डबल कोर्स में नॉट अलॉटेड। क्या इसमें कोई और मिस्टेक है, हाँ एक मिस्टेक और है, क्या मिस्टेक है वो भी आ गया, यहां पर भी दोबारा ध्यान देना, एस ग्रेड इज इक्वल टू डबल कोर्स में ए, ये मिस्टेक यहां पर क्या है, इसके अंदर एसटीआर सीपीवाई यूज नहीं होगा। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, यूज क्यों नहीं होगा, पहले में यूज हो रहा है और यहां पे यूज क्यों नहीं हो रहा, ध्यान देना क्लास में जहां पर हमने एस ग्रेड को डिक्लेयर करा था, एस ग्रेड हमारा करेक्टर एरे नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, तो जब करेक्टर एरे नहीं होगा उसको वैल्यू दी जाती है इक्वल टू से, और क्या लिखा जाएगा सिंगल कोट्स में, सिंगल करेक्टर मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद इक्वल टू, एंड टू असाइन अ सिंगल करेक्टर यूज सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स असाइन करना पड़ेगा, तो क्या लिखा हमने एस ग्रेड इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में ए, फाइनल आंसर। क्या हम एक ही मिस्टेक करते हैं, हम तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो देखते हैं यहां पर कोई और मिस्टेक है, देखते हैं अगेन फाइंड एन एरर, क्या मिस्टेक है, मेजर मिस्टेक, दोबारा ध्यान दो, लाइन ड्रॉ कर दी मैंने जहां पे मिस्टेक है, सी इन एस नेम, सी इन एस नेम नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, जब भी हम करेक्टर एरे इनपुट कराते हैं तो हम वहां पर गेट्स फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, गेट्स फंक्शन, सी इन से स्ट्रिंग इनपुट नहीं होगी, किसकी हेल्प से इनपुट होगी, गेट्स फंक्शन की हेल्प से। तो क्या लिखा, इसको हटा दिया कि गेट्स ब्रैकेट के अंदर जिसके अंदर एंटर करवानी है वैल्यू, उस वेरिएबल का नाम, क्या नाम है, एस नेम, वैसे ही आगे क्या लिखा हुआ है, एस एड्रेस है, तो ये भी सीन नहीं हो सकता क्योंकि करेक्टर आ रहे हैं, इसके लिए भी क्या आएगा हमारा, गेट्स यूज होगा, तो क्या लिखा, गेट्स एस डबल कोट्स में ब्रैकेट में एस एड्रेस एडीडी, दिस इज द फाइनल आंसर, अभी लिख लो प्रोग्राम। तो जब भी आप प्रोग्राम करोगे तो टीचर का सबसे पहले ध्यान किस पे जाएगा, टीचर का ध्यान जाना है क्या आपने करेक्टर एरे बनाया है या नहीं बनाया, जहां पर स्ट्रिंग है वहां पे करेक्टर एरे बनेगा, जहां पे गिवन है करेक्टर एरे वहां तो बनेगा ही बनेगा। सेकंड, टीचर ने ध्यान देना है क्या आपने फंक्शंस को पब्लिक बनाया है या नहीं बनाया, और कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक ही होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है किसको पब्लिक बनाना है किसको प्राइवेट कराना है बनाना है, तो बाय डिफॉल्ट एज्यूम करना कि सारे वेरिएबल्स प्राइवेट बनेंगे और सारे फंक्शंस पब्लिक बनेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि दिस इज कन्वेंशन, कन्वेंशन है कि वेरिएबल्स प्राइवेट होने चाहिए, फंक्शन सारे हमारे पब्लिक होने चाहिए। नेक्स्ट, टीचर देखेगा क्या आपने स्ट्रिंग को इक्वल टू से तो वैल्यू नहीं दी, इक्वल टू से वैल्यू देने तो फटाफट काट देगा, तो क्या ध्यान देना, स्ट्रिंग के लिए हमें एसटीआर सीपीवाई यूज करना है, और अगर एक करेक्टर होगा तो सिंगल कोट्स यूज करेंगे हम उसके अंदर। उसके बाद जब भी हमें इनपुट करानी है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए सीन यूज नहीं करा जाता, क्यों, क्योंकि सीन अगर यूज करेंगे तो स्पेस नहीं होगा, वहां पर क्या आएगा हमारा गेट्स फंक्शन यूज होगा, तो इसलिए यहां पर दो जगह हमने क्या यूज करा, गेट्स फंक्शन यूज करा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब क्लास खत्म होगी तो लास्ट में सेमीकॉलन आएगा ही आएगा।